हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो हमारे पास एक जो एम्पलीफायर देख रहे हो दोस्तों, तो इस एम्पलीफायर में आज हम आपको बेस इंक्रीज करना दिखाएंगे दोस्तों। बेस को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इस तरह के एम्पलीफायर में, या दोस्तों ये एम्पलीफायर हो, या आपको 3055 हो, या आपको दोस्तों 2025 हो, चाहे आपका 4440 हो, चाहे आपका A to Z, कोई सा भी एम्पलीफायर जो इस दुनिया में बनता है, कोई सा भी एम्पलीफायर, उसका बेस इंक्रीज किस तरह कर सकते हो। और वो दोस्तों पहला और लास्ट तरीका यही है, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका इसमें है भी नहीं दोस्तों। तो मैं आपको उससे पहले बताने आऊँ, यहाँ पर मैंने 6 कैपेसिटर का यूज करा है दोस्तों। इसमें एक हमारा दोस्तों 18018 लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये बल्कि ये कैपेसिटर की जो जो हमने यहाँ पर लगाए, इसमें इस करंट जाता है जो रेक्टिफायर है, तो उसमें हमारा हो जाता है 25 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस 25 वोल्ट पे आप मत जाना दोस्तों, पर इसकी एम्पियर कम है। ये दोस्तों हमारे जो आप देख रहे हो 3 एम्पियर का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है इसमें दोस्तों, हमारे इसमें बेस कम क्यों आ रहा है। पहले दोस्तों हम इसे बेस चेक कराने को आपकी एक विधि दिखाते हैं, जिस तरह से आप इसमें किसी भी एम्पलीफायर में अपने बेस को चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप इसमें बेस को किस तरह बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लगा दिया प्लग, ठीक है दोस्तों, और ये हमने कर दिया ऑन। ये हमारी वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, इस वॉल्यूम को हमें बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ पे हमें एक सॉन्ग प्ले करेंगे, ठीक है दोस्तों, कोई सा भी। यहाँ पे हम एक दोस्तों हम यहाँ पर सॉन्ग प्ले करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको इसमें बेस को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे इसे फिल्टर का यूज करेंगे, कोई हमारे पास दोस्तों कॉपीराइट का ऑप्शन आया, इसलिए दोस्तों हमने बेस बेस का दोनों ऑन रखा है, और इसकी ऑडियो आपको चेक कराएंगे। पहले हम ब्लूटूथ को ऑन कर लेंगे दोस्तों, ब्लूटूथ को हमने ऑन नहीं करा है। जैसे हमने यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन कर लिया, यहाँ पे हम टैप करेंगे, ये हमारा कनेक्ट हो गया दोस्तों। हम बैक जाएंगे और ये हम प्ले करेंगे। ये दोस्तों हमने वॉल्यूम हमारी खुला, ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारी खुला, ठीक है दोस्तों। जो हमारा माइक है दोस्तों, माइक हमारा लगा हुआ, माइक में हमारी आवाज नहीं आती है, जो हमारे जो माइक यूज कर रहे हैं उसमें हमारी आवाज नहीं आई थी, इसलिए क्लियर। हम दोस्तों यहाँ पर आपको चेक कराएंगे, आपको मल्टीमीटर को यहाँ पर आपको यहाँ पे चेक करना है एसी पे। एसी पे सेट करने के बाद अब आपको इस पिनों को इस तरह से रख लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इन पिनों को रखा है, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ वोल्ट चेक करना, दोस्तों में जो हमारे मैक्सिमम वोल्ट जा रहे हैं वो हमारे जाने से 13 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बेस अगर चेक करना है किसी भी एम्पलीफायर में, तो उसमें दोस्तों हमारे जो आपने इसमें वोल्ट देख वो हमारे 13 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम कैपेसिटर का वोल्ट दिखाते हैं, कैपेसिटर पे अब इसे हमको डीसी पे सेट करना पड़ेगा, डीसी 200 वोल्ट पे। यहाँ पर जो हमारे वोल्ट है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 36 वोल्ट, 31 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, पिन हमारी ये थोड़ी सेट नहीं बैठी है दोस्तों। यहाँ पर 36 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर अपनी वॉल्यूम को, जैसे हम इस पिन को यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर हमारे दोस्त 35 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। अब आप यहाँ पर दोस्तों हमारे 35 से हमारे हो रहे हैं 36 वोल्ट, 36 वोल्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे जो फॉल्ट आ रहे हैं दोस्तों, कैपेसिटर हमारे वोल्ट कम नहीं होने दे रही है, बल्कि हमने यहाँ पर कैपेसिटर तो ज्यादा लगाए हैं, फिलहाल हमारे यहाँ पर वोल्ट कम नहीं होंगे इस चक्कर में। अब हमें दोस्तों इसमें करना क्या हो दोस्तों, इसमें करने के लिए हमें दोस्तों इसके पास एक ही ऑप्शन है बचा हुआ, जैसे कि ये हमारे पास 252 वोल्ट है। इसमें दोस्तों आपको लोग कहते हैं 24024 का यूज करिए, या आप लोग कहते होंगे 30030। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 5 एम्पीयर का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, ये दोस्तों आपको कहीं से भी, ये दोस्तों एमोनियम का मैंने यहाँ पर खरीदा, ठीक है दोस्तों। आप भी इसे एमोनियम खरीदना जो 250 रुपये का है दोस्तों। यहाँ पर हमारे जैसे एजी वायर लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ग्राउंड वायर हमारा पहले से इसमें अटैच है। हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हम इसमें ये वाला वायर को हम इसमें 2 को अटैच कर देंगे सिर्फ। अब आपको इसकी हम ऑडियो चेक कराएंगे कि इसके मतलब इसकी जो ऑडियो में थोड़ा फर्क आया नहीं आया। जैसे कि इसमें मैक्सिमम वोल्ट जा रहे थे 24024 पे, इसके मैक्सिमम जा रहे थे, वैसे हमारा 18 वोल्ट निकालते हैं, बस 24024 ही मुझे करेंगे, ठीक है। उसके हमारे आ रहे 13 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, जो हमारा आउटपुट निकाल रहा था। अब दोस्तों इस पर देखेंगे कितने वोल्ट निकाल रहा है। ऐसे हमने ये वाला सेट कर दिया दोस्तों, हम इसे हम चेक करेंगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर इस वायर को लगाते हैं दोस्तों, जो दोस्तों आप फैन का साउंड सुन सकते हो दोस्तों, वो भी हमारा बढ़ गया इसका दोस्तों ऑडियो। हम इसका जो ऑडियो है दोस्तों, जो इसका जो मैक्सिमम जो वोल्ट है, इसे हम इस तरह चेक कर लेते हैं। पहले तो बारी है क्या, हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे। पहले तो अपनी ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं।
दोस्तों हम इसकी जो ऑडियो वो आपको नहीं सुना सकते, जो हम माइक जो इसमें यूज करते हैं वो माइक का दोस्तों हमारा फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, वो हमारी नॉइस को नहीं ले मतलब बढ़िया कर नहीं पकड़ पा रहा। जैसे अब मैं आपको पहले तो यहाँ पर डीसी बोल्ट आपको चेक करके दिखा दूँ दोस्तों, हमारे बोल्ट आ कितने रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारे दिखा रहे हैं 60 वोल्ट, बल्कि हमारे दोस्तों है क्या 30 0 30। ये दोस्तों हमने यहाँ पर कैपेसिटर यूज करी, इस चक्कर में ये हमारे 60 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अगर 60 वोल्ट जब ये दिखा रहे दोस्तों, तो हमारे बोर्ड को कोई फॉल्ट नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों हमारा फैन काफी तेज चल रहा है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैपेसिटर बढ़ाया है, तो दोस्तों एम्पीयर इंक्रीज होते हैं और बेस भी अच्छी निकलती है। अब दोस्तों हम फिलहाल फिल्टर पे ही अपनी बेस को यूज करेंगे। ये दोस्तों हमने यहाँ पर जैसे अपनी वॉल्यूम को जैसे हम यहाँ पर फुल करते हैं, जैसे आप लोग दोस्तों हमने यहाँ पर 30 0 30 का यूज करा, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आउटपुट के बोल्ट वो हमारे बढ़ गए। जहाँ हमारे इस वाले ट्रांसफॉर्मर पर हमारे निकल रहे थे 22 23 वोल्ट दोस्तों, और इस वाले ट्रांसफार्मर पर हमारे निकल रहे हैं दोस्तों पूरे यहाँ पर 21 वोल्ट। अगर आप दोस्तों इसमें अगर इस बोर्ड पे अगर आप ये दोस्तों हमारे मोनो बोर्ड है 100 वाट का। ठीक है दोस्तों, इस बोर्ड पे अगर आप दोस्तों इसमें 30 0 30 या 35 0 35 का इस्तेमाल करते हो दोस्तों और 6 कैपेसिटर लगा दोस्तों, एक नंबर आपकी बेस यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी दोस्तों। और आपको दोस्तों बता दें, हमने दोस्तों यहाँ पर फिल्टर सॉन्ग का यूज करा है। ठीक है दोस्तों, हमने सिर्फ बेस बेस को हमने यहाँ पर ऑन रखा है। ठीक है दोस्तों, हमने बाकी मेड ट्रेवल जो भी होती है वो हमने सारी यहाँ पर कम कर रखी है, जैसे कि हमारा कॉपीराइट ना आ जाए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना दोस्तों। हमें प्रॉपर सॉन्ग आपको नहीं प्ले करके दिखा सकते, ना ही आप उसे महसूस कर सकते, पर हम दोस्तों बोल्ट के जरिए आपको बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अगर मोनो बोल्ट बोट है दोस्तों, तो आप प्लीज उसमें 24 0 24 बेकार है दोस्तों, 18 0 18 ही बेकार है दोस्तों। और आप अगर उसका 30 0 30 लगाओ एकदम बेस्ट है ये दोस्तों, आप 35 0 35 लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको लिए ट्रांसफॉर्म एकदम बेस्ट है दोस्तों, 5 एम्पीयर का है दोस्तों, आप भी 5 एम्पीयर का यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं रेकमेंड करूंगा आपके पास अगर मोनो बोर्ड 100 वाट का है दोस्तों, तो आप प्लीज एल्युमिनियम वाला ही ले लीजिए, एल्युमिनियम वाला भी अच्छा वर्क करता है दोस्तों, उसमें नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों जरूर कर देना दोस्तों, इस तरह वीडियो में लेके आता हूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय दोस्तों।